नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स डबल टू में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, और यह वेल्डिंग प्रोसेस रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है और एक हाई एनर्जी बीम वेल्डिंग है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ था 2 सितंबर 1945 को, उसके बाद विश्व के कुछ नेशन स्पेस और न्यूक्लियर रिसर्च के क्षेत्र में अपनी प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे, सुपर मैसी स्थापित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें कुछ रिएक्टिव मेटल जैसे टाइटेनियम या जिरकोनियम या फिर रिफ्रैक्टरी मेटल्स जैसे मोलिब्डेनम इत्यादि पर उनको वेल्ड करना था। अगर वो एग्जिस्टिंग जो वेल्डिंग प्रोसेसेस थी उनके साथ इनको वेल्ड करते तो ये जो मेटल्स थी इनकी डक्टिलिटी कम हो जाती थी। तो इस समस्या को हल करने के लिए एक नई वेल्डिंग को बनाना जरूरी था। तो जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, इसको सबसे पहले अगर हम बात करें, जर्मन के फिजिसिस्ट कार्ल हाइंस स्टाइगर वाल्ड ने वर्ष 1949 में इसको डेवलप किया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो वेल्डिंग है इसको साइमल्टेनियसली 1950 की दशक की शुरुआत में यूएस और वेस्ट जर्मनी में डेवलप किया गया था, ऐसा भी माना जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ये जो वेल्डिंग है इसके लिए हमें किस किस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वो हम देख लेते हैं। इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम गन और वैक्यूम और वर्क चैम्बर। जो इलेक्ट्रॉन बीम गन है इसमें जो मेन कंपोनेंट रहते हैं उसमें कैथोड या फिर जिसे हम फिलामेंट कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम होता है, बीमिंग एंड फोकसिंग डिवाइस होता है, व्यूइंग और ऑप्टिक्स सिस्टम होता है। इसको हम थोड़ा विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर हम बात करें वर्क चैम्बर की तो इसमें वर्क ट्रांवर्सिंग सिस्टम इसमें रहता है। तो ये डायग्राम आपके सामने, अगर हम इस डायग्राम को देखते हैं तो इस डायग्राम को अगर आप देखें कि जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, इस टाइप की वेल्डिंग में हम इलेक्ट्रॉन बीम का प्रयोग करते हैं मेटल को मेल्ट करने के लिए जहां पर हमें वेल्ड को करना होता है। और जैसे हमने बात की कि इस वेल्डिंग का प्रयोग टाइटेनियम, जिरकोनियम, बेरिलियम, मोलिब्डेनम इत्यादि मटेरियल्स को वेल्ड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हम विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे, एक एक कंपोनेंट को डिस्कस करते चलेंगे। तो सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर हमें हाई वोल्टेज केबल की ज़रूरत होती है, और यहाँ पर जो सबसे पहले है वो है कैथोड और फिलामेंट। अगर इसकी बात करें यहाँ पर ये जो फिलामेंट होता है ये एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है, टंगस्टन मटेरियल का बना होता है। टंगस्टन हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि जो टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा होता है और इसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा होता है। और दूसरी बात, जो टंगस्टन है वो कॉन्टामिनेशन के लिए कम सेंसिटिव रहता है। और इसमें अगर हम देखें कि हीटिंग करंट हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो एसी और डीसी दो हीटिंग करंट होते हैं, लेकिन डीसी को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो डीसी हम प्रयोग करते हैं उसके द्वारा जो मैग्नेटिक जो फील्ड क्रिएट होता है उस हीटिंग करंट की मदद से, वो हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसकी डायरेक्शन को इन्फ्लुएंस उसमें कर सकता है। तो उसके बाद अगर हम देखें जो हम जो फिलामेंट हम यूज़ करते हैं, ये जो फिलामेंट उदाहरण के लिए देखें 0.5 mm डायमीटर का टंगस्टन वायर फिलामेंट हम यूज़ करते हैं, जिसके लिए हमें 20 वोल्ट की जो वोल्टेज और 30 एम्पियर का करंट इसमें हम ले सकते हैं। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट है बाइस कप, ये सब आते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम का हम क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से हमारा जो एमिट होगा वो सभी डायरेक्शन में वो मूव करता है, सभी डायरेक्शन में मूव करेगा जो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी रेंज होगी उसके साथ। और जो कैथोड है उसको हम कम रखते हैं, जितना पॉसिबल हो सके उसको कम रखा जाता है। और जो रेंडमली एमिटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं फिलामेंट से, अगर उनको हमें डायरेक्शन और स्पीड देनी है तो उसके लिए हम कोई कप शेप्ड इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं जो हमारी जो फिलामेंट है उसकी उसके अराउंड उसको वो सराउंड कर सके और इलेक्ट्रोस्टैटिकली शेप देगा वो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को बीम के रूप में। तो वो काम करता है बाइस कप, इसको हम ग्रिड कप भी बोल देते हैं। उसके बाद अगर हम देखें जो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है कैथोड से या फिलामेंट से, उसमें क्या है कि एडिक्युएट एनर्जी नहीं होती कि वो जो हमें वेल्डिंग के लिए सीधा उसको प्रयोग कर सकें, उसकी हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि जो मेटल है उसको हम वेल्ड कर सकें। तो इसके लिए जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर हम देखें जो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² होती है, तो इसमें जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है
वो इसमें हमारा फिक्स रहता है, क्योंकि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है जिसकी रेडियस 2.82 × 10⁻¹² होती है। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन की जो रेडियस होती है 2.82 × 10⁻¹² होती है, ये इसकी रेडियस रहती है। अगर मास की बात करें तो वो 9.109 × 10⁻²⁸ ग्राम। तो ये जो मास होता है ये हमारा फिक्स रहता है, तो इसलिए हम जो भी चेंज करेंगे हम वेलोसिटी में चेंज करेंगे। तो वेलोसिटी में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम वेलोसिटी को इनक्रीज़ कर देते हैं, और वेलोसिटी को इनक्रीज़ करने से ही हमारी जो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्पीड हमारी बढ़ने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली जो कैथोड है और जो एनोड है इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ज़्यादा कर देते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको ज़्यादा कर देते हैं, जिसके कारण जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की बढ़ जाती है, और हमें यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं वो एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं हमारी इलेक्ट्रॉन बीम में, जिनकी जो स्पीड रेंज होती है वो तकरीबन 50,000 से 2,00,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। तो कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है अप्लाइड वोल्टेज पर। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैथोड और एनोड के बीच में उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि जो एक्सेलरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन द फॉर्म ऑफ बीम पास करेंगे, जो स्मॉल होल हमने प्रोवाइड किया है एनोड में वहाँ से वो उसके सेंटर से वो पास करेंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पर अगर हम बात करें दो टाइप की वोल्टेज हम यूज़ कर सकते हैं, एक होती है लो वोल्टेज। लो वोल्टेज का मतलब होता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है कैथोड और एनोड के बीच में वो 15 kW से 30 kW के बीच में हो सकता है। अगर हम हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस 70 से 150 kV के बीच में हो सकता है। और जो सिलेक्शन हम करते हैं लो या फिर हाई वोल्टेज रेंज जो हम लेते हैं वो बेसिकली हमारा डिपेंड करता है कि जो बीम पावर हमें कितनी चाहिए, क्योंकि बीम पावर की रिक्वायरमेंट किसके लिए होगी, हमें वेल्डिंग के लिए डिज़ायर्ड मेल्टिंग रेट चाहिए उसको अचीव करने के लिए, और काइनेटिक एनर्जी प्रत्येक इलेक्ट्रॉन की वो डिपेंड करती है उसकी वेलोसिटी के ऊपर कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि मास हमारा फिक्स रहेगा तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और वेलोसिटी जो हमें इलेक्ट्रॉन की अटेन करनी है कि कितनी हमें अटेन करनी है वो मेनली डिपेंड होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैथोड और एनोड के बीच में। उसके बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है बीमिंग एंड फोकसिंग डिवाइस, क्योंकि एनोड के बाद जो बीम हमारा जाएगा उसकी जो वेलोसिटी है वो हमारी कांस्टेंट रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर वो एक्सेलरेट हो जाएगी। एक्सेलरेट होने के बाद जितना भी हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल करेगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल करेगा, और जितने भी जो इलेक्ट्रॉन हमारे ट्रैवल करेंगे वो क्या होंगे, वो नेगेटिव चार्ज्ड होंगे और एक दूसरे को रैपल करेंगे, मतलब कि फोर्स बैक करेंगे। तो जिसके कारण अगर आप देखें जो बीम है वो हमारी स्प्रेड हो जाएगी, और बीम स्प्रेड हो जाएगी जिसके कारण जो एनर्जी डेंसिटी है बीम की वो हमारी कम हो जाएगी। तो हमें बीम की हाई एनर्जी डेंसिटी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बीम को फोकस किया जाएगा किसी फाइन पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन के साथ, और जो फोकसिंग ऑफ बीम है उसके लिए हमें कुछ जो फोकसिंग कोयल या फिर मैग्नेटिक लेंस हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जो मैग्नेटिक लेंस के थ्रू हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शिफ्टिंग होगी बीम की। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस हम यहाँ पर यूज़ करते हैं उसमें 4 कोयल हम यूज़ करते हैं 2 पेयर में, और वो मेनली सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं और एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का वो एंगल बनाती हैं। और ये जो कोयल होती है इस कोयल को हम इनकेस कर देते हैं आयरन केसिंग में, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो डिफ्लेक्शन हमारा सिस्टम होता है वो कैपेबल होता है बीम को डिफ्लेक्ट करने के लिए थ्रू ए प्रिसाइजली सिलेक्टेड डिस्टेंस, और उसको हम पोजीशन दे सकते हैं एग्जैक्टली एट द डिज़ायर्ड जो स्पॉट होगा हमारा वेल्ड लाइन पर, और इसे हम करंट को वेरी करके जो कोयल के थ्रू करंट जाएगा उसको हम वेरी कर सकते हैं, और जिसके कारण हम जो बीम की पोजीशन है किसी भी पॉइंट पर उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं।
और यहाँ पर जो बीम है इसे हम अगर हम बात करें तकरीबन 0.5 mm डायामीटर पर इसको फोकस किया जा सकता है, और बीम को हमें प्रॉपरली इसको अलाइन करना है जो वेल्डेड ज्वाइंट बनाने के लिए, तो इसके लिए हम कुछ व्यूइंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो व्यूइंग सिस्टम होता है उसको या तो हम ये वाला जो पोर्शन है जो हमारा इलेक्ट्रॉन बीम गन होती है, या तो इस पर इसको इसकी वॉल्स पर इसको लगाया जा सकता है, या फिर जो ये वैक्यूम और वर्क चैम्बर है तो इसमें भी इसको फिट किया जा सकता है। तो उसके बाद आता है व्यूइंग और ऑप्टिक्स सिस्टम। इसमें क्या है कि ज़्यादातर जो चैम्बर होते हैं वो ऑप्टिकल सिस्टम के साथ फिटेड होते हैं, क्योंकि जो वेल्ड होता है उसको हम सूटेबल उसको मैग्नीफाई उसको कर सकें इसलिए होता है। और यह भी इसमें ज़रूरत इम्पोर्टेंट बात होती है कि जो लाइन ऑफ साइट होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज होनी चाहिए, नियर होनी चाहिए, ताकि हम इलेक्ट्रॉन बीम के साथ कोएक्सियल उसको कर सकें। और जो ऑपरेटर है ऑपरेटर के लिए अगर व्यूइंग ठीक रहेगी तो वो बड़ी आसानी से स्मॉल बीम एक्यूरेट वो कर सकता है वेल्ड लाइन पर, ताकि वेल्डिंग को आसानी से किया जा सके। उसके बाद आता है कि जो वैक्यूम और वर्क चैम्बर है जो इसका बॉटम पार्ट होता है, ये वैक्यूम चैम्बर या वर्क चैम्बर है, इसमें व्यूइंग के भी दो तरीके हम बात करें। एक होती है डायरेक्ट व्यूइंग ये होती है कि सीधा यहाँ पर कुछ लेड ग्लास विंडोज़ लगी होती हैं और इसको सीधा ऑब्जर्व किया जा सकता है, और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो डिपेंड करती है कि जो डिस्टेंस होता है ऑपरेटर के बीच में और जो पॉइंट ऑफ वेल्डिंग है उसके बीच में, और वो साथ में डिपेंड करता है वर्क पीस की शेप के ऊपर। और जो जब हम डायरेक्ट व्यूइंग का यूज़ नहीं करते तो हम यूज़ करते हैं ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम, जिसको हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं हमारा जो इलेक्ट्रॉन बीम गन है उस पर कर सकते हैं, और जो ऑपरेटर है वहाँ से उसको मैग्नीफाई उसका व्यू ले सकता है। उसके बाद आता है वैक्यूम और जो वर्क चैम्बर है हमारा वर्क ट्रांवर्सिंग सिस्टम, ये हमारा ये जो पार्ट होता है एक्चुअली जो वर्क पीसीज होते हैं हमारे, अगर शॉर्ट लेंथ ज्वाइंट हमें बनाना है तो उसके लिए हम क्या है कि जो वेल्डिंग हम करेंगे उसके लिए जो बीम होगा हम बीम को मूव कर सकते हैं फोकसिंग कोयल की मदद से, आसानी से इसको मूव किया जा सकता है सिर्फ शॉर्ट लेंथ ज्वाइंट के केस में। और इसमें क्या होगा कि अगर हम छोटे ज्वाइंट बनाते हैं तो जो मैकेनिकल ट्रांसफ़र सिस्टम है उसको एलिमिनेट किया जा सकता है, अदरवाइज़ क्या होगा कि हमें ये जो वर्क पीस है इसको अलग से हमें एक अरेंजमेंट यहाँ बनानी होगी जिसकी मदद से हम इसको लेफ़्ट और राइट इसको मूव कर सकते हैं बीम को बिना उसको मूव किए हुए। उसके बाद आता है कि हम इसमें वैक्यूम ही क्यों यूज़ करते हैं, वैक्यूम बनाने की ज़रूरत क्यों है इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के केस में। जैसा कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो सिग्निफिकेंट डिस्टेंस पर वो ट्रेवल नहीं कर सकते हवा के अंदर या किसी दूसरी गैसेज में, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को हम नॉर्मल एटमॉस्फेयर में उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो उसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन है अपनी काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर देंगे, क्योंकि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के एटम और मॉलिक्यूल्स के साथ कोलिजन करेंगे और जिसके कारण उनकी काइनेटिक एनर्जी है उसका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम वैक्यूम को क्रिएट करते हैं ताकि हमें जो इसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन बीम की उसका हम यूज़ कर सकें। अब यहाँ पर बात आई है वैक्यूम की। वैक्यूम मेनली क्या है कि हम तीन टाइप का वैक्यूम इसमें यूज़ कर सकते हैं, हाई वैक्यूम, मीडियम वैक्यूम और नो वैक्यूम। अगर हम बात करें हाई वैक्यूम के केस में तो हाई वैक्यूम हमें तब चाहिए जब हमें 150 mm थिकनेस वाले वर्क पीस को वेल्ड करना है। मीडियम वैक्यूम हमें तब चाहिए जब हमें तकरीबन 50 mm तक थिकनेस वाले वर्क पीस को वेल्ड करना है, और नो वैक्यूम की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारे वर्क पीस की जो थिकनेस है 12 mm से ज़्यादा नहीं होती। तो उसके बाद बात आती है जो इलेक्ट्रॉन गन हम इसमें यूज़ करते हैं, वो बेसिकली अगर हम एक्सेलरेटिंग वोल्टेज के आधार पे देखें वो दो प्रकार की होती हैं, लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज टाइप। जैसे हमने डिस्कस किया था कि लो वोल्टेज के केस में 15 से 30 kV वोल्टेज का यूज़ करते हैं, और हाई वोल्टेज टाइप में 70 से 150 kV तक का हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो सेल्फ एक्सेलरेटेड टाइप इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग गन होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, डायड और
ट्रायोड, वो दो प्रकार की होती हैं। और जैसा हमने बात किया कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे बिना किसी रुकावट के अनइंटरप्टेड मूव करें, इसलिए हम यहाँ पर वैक्यूम का प्रयोग करते हैं, और साथ में जो वेल्ड हमें हाईएस्ट क्वालिटी का मिले इसलिए वैक्यूम का प्रयोग करते हैं। और जो वैक्यूम प्रेशर हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं, वैक्यूम प्रेशर तकरीबन हमारा 10^-4 से 10^-2 mm ऑफ HG, ये हमारी प्रेशर रेंज रहती है। या दूसरी यूनिट अगर हम यूज़ करें वो यूज़ कर सकते हैं, टॉर हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ये हमारी रेंज रहती है। और जैसा हमने बात की कि जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, वेल्डिंग गन है, मीडियम वैक्यूम प्रेशर या फिर डेवलप्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ऑपरेट करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग गन की इफ़ेक्टिवनेस हाई वैक्यूम गन के मुकाबले कम होती है। तो यह हमने डिस्कस किया आपके साथ कि क्या इसमें अरेंजमेंट होती है, किस प्रकार से इसमें वर्किंग रहती है, और वर्किंग करते समय हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे जो वर्क पीस हैं इसको अच्छे से हमें पोजीशन करना है, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड वैक्यूम प्रेशर है जिसकी रेंज 10^-4 से 10^-2 mm ऑफ HG होती है, इसको मेंटेन करना होता है। और मेंटेन करने के बाद हम कैथोड या फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन को इमिट करते हैं, बायस कप उसकी स्पीड को डायरेक्शन को सेट करके एनोड के थ्रू पास करेगा, एनोड में एक्सेलरेशन दी जाती है, स्पीड को बढ़ाया जाता है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगी तभी हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि मास हमारा फिक्स रहता है। तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग हम किस मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं। वैसे तो इसकी मदद से हम जो सिमिलर और डिसिमिलर मेटल्स हैं उनको हम वेल्ड कर सकते हैं, बट या फिर लैब वेल्डिंग की जा सकती है। और जैसे सुपर अलॉयज, रिफ्रैक्टरी मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स, स्टेनलेस स्टील, इनकी वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की एडवांटेज क्या होती है, डिसएडवांटेज क्या होती है, और एप्लीकेशन क्या होती है। अगर आपने पूरी वेल्डिंग को ध्यान से सुना है, इस वेल्डिंग में हम ना तो फ्लक्स का यूज़ करते, ना फिलर मेटल का यूज़ करते, और ना किसी प्रकार से शील्डिंग गैस की ज़रूरत होती है। और जैसे हम इसमें यूज़ करते हैं, बीम का यूज़ करते हैं, तो इसमें जो इफेक्टेड जोन होता है, हीट इफेक्टेड जोन लिमिटेड होता है, जिसके कारण थर्मल डिस्टोर्शन भी कम होती है। और इसमें हम हाई क्वालिटी डीप और नैरो वेल्ड मिल सकते हैं, और डिस्टोर्शन श्रिंकेज जो वेल्ड एरिया में होते हैं बहुत ही कम होते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, इसकी इक्विपमेंट कॉस्ट ज़्यादा होती है, वैक्यूम चैम्बर की ज़रूरत पड़ती है, और इसमें हमें प्रिसाइज ज्वाइंट प्रिपरेशन और अलाइनमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दूसरी बात, जब इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग से हम वेल्ड करते हैं तो यहाँ पर जो एक्स रेज हैं वो जनरेट होती हैं, जिसके लिए हमें थोड़ा सेफ्टी को ध्यान में रखना होगा, इसलिए हमें प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी होगी, पीरियोडिक मेंटेनेंस रखना बड़ा ज़रूरी है। अगर एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन के मामले में इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग की बहुत सारी संभावनाएं हैं। एयरक्राफ्ट की वेल्डिंग करते समय इसका यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की वेल्डिंग में इसका यूज़ किया जाता है, गियर या फिर ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में गियर और शाफ्ट की वेल्डिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, टाइटेनियम कंप्रेशर रोटर की वेल्डिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, गैस टरबाइन इंजन की पावर शाफ्ट को वेल्ड करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, रॉकेट इंजन इंजेक्टर की वेल्डिंग में इसका यूज़ किया जा सकता है, इवन जो रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम के लिए हम प्रेशर वेसल यूज़ करते हैं उसकी वेल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग है, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर, मिसाइल, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग के बारे में, इसको क्यों ईजाद किया गया था, इसके लिए वर्किंग कंपोनेंट क्या रहते हैं, इसकी वर्किंग कैसे होती है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन क्या है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और N-Universe 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।